आ गई मैं नैन्सी के स्कूल। मिला हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम सब लोगों को, हर हर महादेव। तो आज थोड़ा सा मौसम के साथ स्वागत हो रहा है आप लोगों का, बाहर का व्यू दिखाते हुए। और अभी सुबह सुबह 6:30 बज रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं। हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी बाहर। बहुत देर से मैं यहाँ बैठी हुई थी, अभी नैन्सी का टिफ़िन जा रही हूँ बनाने। और तुलसी मैया अभी गमला नहीं आया है, तो इनको ऐसे ही अभी रखा है कि मिट्टी इसमें ज़्यादा है और मिट्टी और भी रखी है, तो सोच रही हूँ गमला ला के और इनको थोड़ा मतलब अच्छी जगह रख दूँ, जैसे इधर की तरफ लटकी हुई हैं। और यहाँ प्रिपरेशन हो रखी है, तो ये आलू मैंने कट किया है 20 से स्लाइस में, तो इसी के पकोड़े जा रही हूँ बनाने नैन्सी के लिए। ये बेसन का घोल बनाया है, बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें, पतला वाला। तो आज यही जा रही हूँ बनाने। टिफ़िन में भी क्या बनेगा कुछ पता नहीं, बैंगन रखा है, अगर ले जाएंगे बैंगन की सब्ज़ी तो वही बनाऊँगी, नहीं तो खाली रोटी दूँगी बना के। नैन्सी नाश्ता करने जा रही है। लो तो गाइज, मुझे आज 10 दिन हो गया आए, 10 दिन आज हाँ हो गया, 10-11 दिन हो गया। और जब से मैं आई और सामान रख दी थी, चावल वगैरह सब भर के रख दिया था, गेहूं यहीं रखा रह गया। मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब हो गई थी 10 दिन से, मतलब ख़राब ही थी पता ही है, तो गेहूं नहीं रखा था। तो आज मैं इसको डब्बे में डालने जा रही हूँ, पूरी बोरी 50 किलो की है ये, और पूरी भरी हुई है, बस थोड़ी सी खाली थी। मेरा भाई पूरा इतने अच्छे से भरेगा, उसके बाद गट्ठी भी खुद ही लगाएगा कि खुले ना अच्छे से। तो इसको मैं, ये डब्बा है बड़ा सा, तो इसी में भरने जा रही हूँ। इसमें पहले भी गेहूं ही रखा रहता था, तो बहुत दिन से गेहूं नहीं आया था, तो अब आज इसको इसी में डालूँगी। फिर इसका डिब्बा भर गया, थोड़ा सा खाली है, मतलब 2-4 किलो कम होगा, बाकी पूरा भर गया है। साइड में इधर कोने में रख दिया इसको। हेलो एवरीवन, अभी कितना बज गया, घड़ी देखना भूल जाते हैं, अभी 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं। मेरा नहाना धोना हो चुका है, और कल मैं स्कूल गई थी तो फीस नहीं जमा हो पाई थी नैन्सी की। आज फिर स्कूल से फ़ोन आया था, तो वही अब जा रही हूँ, गोलू स्कूल गए, सब लोग गए अपने अपने काम पे, मैं भी जा रही हूँ अभी। तो नैन्सी की फ़ीस उधर ही से जमा करूँगी, उधर ही सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी, तब खाना वाना दोबारा से। आज सुबह में रोटी मनोज तिवारी को दिया बना के, नैन्सी को पकोड़े दिए बना के, और वही सब लोगों ने नाश्ता किया। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, अभी मैं पहले स्कूल जाऊंगी, 12 बजे से पहले मुझे फीस पे करनी है, उसके बाद वहां से आके फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगी। रहिएगा आप लोग, ब्रेक के बाद मिलती हूँ, अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा। आ गई मैं नैन्सी के स्कूल,
रोड पे इतना मतलब बहुत भीड़ रहती है, वीडियो बनाने का भी सोचो तो बना नहीं सकते। लगता है कोई मोबाइल ही छीन के ना चला जाए। साड़ी आज मैंने थोड़ी चेंज पहनी है। सो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं और मैं खाना खाने जा रही हूँ 3 बजे। लेट हो गई थोड़ा सा, लेट क्या, रोज ही लेट हो जाता है। नाश्ता भी आज 12 बजे किया था, पकौड़े खाए थे, चाय पिया था, तो इसकी वजह से खाना थोड़ा सा देर से खा रही हूँ। खाने में एक रोटी ली हूँ और दही ली हूँ, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं। ये मेरा खाना, ये दही है और ये एक रोटी है। एक रोटी और दही खाऊंगी मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। सब्जी खाने का मन नहीं हो रहा है, तबीयत जब से ख़राब हुई है तो इसकी वजह से दही और रोटी खा रही हूँ। सो गाइस अभी 3:15 हो रहा है और फाइनली मेरा काम हो चुका है सारा। गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया और ये नमक लेके आई थी, अभी इसको रखा नहीं, डब्बे में नहीं डाला। कल सामान लेके आई थी, नमक भूल गई थी, बर्तन धोया अभी, कपड़े। आज धूप तेज नहीं, आज धूप ही नहीं है, मतलब तेज क्या, धूप निकली नहीं है, बादल है, बारिश तो नहीं हो रही है, पर कपड़े सुबह से डले पड़े हैं, सूखे नहीं है अभी। ये हरी साड़ी, हरी हरी ओढ़नी वाली, और ठंडा आ रहा है, हवा चल रही है। अब दरवाज़ा बंद करूँगी, बारिश होगी तो भीग जाएगा या तो नहीं भीगेगा, बचा रहेगा जो भी होगा, क्योंकि अब मैं चली आराम करने। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर शाम को सीधा चाय के साथ मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा सब लोग, कंटिन्यू रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। अरे बेचारा चल दिया, अब यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया तो बंद भी कर देना, खोलना नहीं जो चल दिए हो। तकरीबन अभी 7:30 बज रहे हैं और चाय बन रही इधर मनोज तिवारी के लिए। मेरी तो चाय अभी छूट गई है, चाय मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता पीने का। थोड़ा बहुत सुबह शाम जो आदत है तो सर में दर्द हो जाता है, इसकी वजह से सुबह शाम मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ। और खाने की प्रिपरेशन होने जा रही है, अभी जोत वगैरह नहीं जलाई, नैन्सी जलाएंगी, तो क्या बनाऊँगी, भिंडी की सब्जी बनेगी, ये लेके आई थी, इसको धोऊंगी पहले। और इधर पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी, नैन्सी पढ़ रही हैं, तो दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। वीडियो में रहिएगा सब लोग, अभी थोड़ा बहुत है अभी। खुले में ऐसे कर देते हो? और क्या? शर्म नहीं आती? शर्म कैसे? अच्छा, विधाता ने बनाया है? हमारे तो दिल्ली में मेट्रो में भी भड़ाम से किया था, सारे भाग गए थे। भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ, एक ही बार दूसरी तरफ जगह खाली हो गई, आराम से रह गया। देखा, दिमाग सीखो, कितना दिमाग है बंदे के अंदर, कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, क्या ही बोले, कौन सा भगवान ने गढ़ा होगा, है ना। अपने जब हुआ सब कर्म हो गया, आँख सूज गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आँख सूज गई भैया, बुखार हो गया। मैं अपने घर से आई जब से तब से बीमार हूँ, और सारा कंफ्यूज मतलब नॉन स्टॉप सारा घर का काम, उसके बाद भी तरस नहीं आया किसी को, तरस आया हो। ये खाना है, रोटी बिना नहीं चलेगा,
चावल भी ना नहीं चलेगा, दाल भी ना नहीं चलेगा। मुंह देखो कुत्ते जैसा मुंह बनाते हैं बिल्कुल। हाँ बोलिए, देखिए सोच समझ के बोलिएगा, रिप्लाई हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ बोलिए बोलिए, काहे नहीं बोल रहे। कितने दिनों से बाहर खा रहे थे, 8-9 साल से घर का खाना नहीं मिल रहा था, है ना, तो बना के भी तो खा रहे थे। एक जने अभी गई है नहाने, पता है कि पूजा करनी है, उसके बाद पहले मोबाइल, अब उनका मोबाइल में लगी रहेंगी, अब गई हैं। सो गाइज बकबक बहुत हो गई और मैं भिंडी की कटिंग करने जा रही हूँ, सब्जी भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, सब्जी भिंडी की बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। तो आज के खाने में आज दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जो था पकौड़े वगैरह बनाए थे, रोटी बनाई थी, तो वही दही रोटी सब खा लिए थे, पकौड़े खा लिए थे, और तो किसी ने खाना नहीं खाया, तो इसकी वजह से मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, इसलिए इस टाइम प्रॉपर पूरा खाना बन रहा है। गलती से बोलिएगा, इसलिए इस टाइम पूरा खाना बन रहा है। दाल चढ़ा दिया है, भिंडी की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे एक जन की आँख और आ गई, हम लोग की ठीक हुई तो इधर मनोज की बारी की आँख आ गई, अपनी बारी फट के हाथ में आ गई, दूसरे की बारी मजाक लग रहा था, अरे ऐसे रखो वैसे, अब का हाथ लगा रहे हो, दूसरे को तो बहुत बता रहे थे। नैन्सी नहाने गई, फोन है काम के पीछे पड़ा है, फोन फोन कर रहा है काम के लिए। अरे वो सुनील है, एक लड़का लगवा दो, लड़का लगवा दो, अपना जहाँ करता वही लगवा ले, वो पैसे ही नहीं देता टाइम पे। कौन? ये आज तक वही करता वो, तुमने तो कॉर्पोरेसी बंद हो गई। जाता है घूमता आता है, खर्चा बच्चा मिलता रहता है। बत्ती नहीं जलाती हो क्या नैन्सी? तुझे नहीं दिखा रही, तू मेरे वीडियो में ना ही आया कर, तू बड़ा हीरो है ना, आ जाएगा तो मेरे मेरी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, वही तो रखे रहो अपनी पब्लिसिटी, हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो। अरे थोड़ा सा और एक बार कर, हो गया आँख में धूल जा रही है, तुम्हारी कुछ रोज देखती है। पापा आप कितनी बार घर से भागे हो, तो इधर ही उठाइए यार, 50 बार क्या, 1000 बार। इस मामले में तो बहुत तेज थे मनोज तिवारी। तो गाइस खाना मेरा बन चुका है, दाल बन गई, सब्जी बन गई, चावल बन गया, इधर लाओ 5 किलो, ये भिंडी की सब्जी है पक गई है, इधर चावल है गरम गरम, इधर दाल है जीरा वाली, और इसी के साथ मैं वीडियो कमेंट करूंगी गाइस, होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।